हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का आईटी सेशन लैब पे स्वागत है। मैं अमर नाजेश्वर आज एक नए वीडियो सेशन के साथ मौजूद हुआ हूँ। इस वीडियो सेशन में मैं एक ओपन सोर्स बैकअप सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि यह सॉल्यूशन एक होम यूजर और एक स्मॉल बिजनेस कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होगा। और ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो जो ये सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं उसका जो नाम है यूआर बैकअप। हमने काफी रिसर्च किया और ये हम अपने प्रोडक्शन में एनवायरनमेंट में इसको यूज भी हम लोग करते हैं, तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर हमको ये लगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम आप लोगों से भी कुछ बताया जाए इसके बारे में। ये सॉफ्टवेयर जो है मल्टी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है और काफी कॉन्फ़िगरेशन पे भी हो सकता है, और इसके काफी अच्छे फीचर्स हैं जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा। ये काफी फास्ट है और इसका सेटअप भी बहुत इजी है। इजीली आप एक बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो इजीली आप इसको सेटअप कर लेंगे। एफिशिएंट, स्पेस एफिशिएंट, क्योंकि इसमें डाटा डीडुप्लीकेशन का यूज किया जाता है, पता है? और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई भी लाइसेंस फी नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वेब इंटरफेस है और वेब के थ्रू आप कहीं भी किसी भी पीसी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट बैकअप वाले यूनिट, आप बैकअप के टाइम पे भी आप अपनी डाटा फाइल को कम कर सकते हैं, और इवन कि ये ओवर द इंटरनेट भी वर्क करेगा इन ग्लोबली। और ये आपको मैंने पहले बता दिया कि मल्टी प्लेटफॉर्म है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सेटअप करेंगे। तो आप एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेंगे और जो है कि उसमें फिक्स आईपी इसमें असाइन कर देंगे आपके ही लोकल लैन के सीरीज का, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं आप, चाहे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडोज 7 या विंडोज 10 कुछ भी ले सकते हैं, विंडोज का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यह है कि ज़्यादा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इसके पुराने कंपैटिबल बैकअप सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल नहीं मिलेंगे। उसके सबसे पहले आप यूआर बैकअप सर्वर का सेटअप करने के लिए यूआर बैकअप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। ये यूआर बैकअप सर्वर जो कि ओपन सोर्स क्लाइंट सर्वर बैकअप सिस्टम है, तो ये फ्री अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यस, तो जो सर्वर है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ये काफ़ी सभी है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है, डेबियन, उबंटू, रेड हैट और लिनक्स के सभी और फ्रीनेस के लिए भी अवेलेबल है। तो काफ़ी प्लेटफॉर्म पे ये सॉफ्टवेयर रन कर सकता है। तो अभी हम जो टेस्ट करते हैं वो विंडोज सर्वर के लिए। तो यहाँ पे हम विंडोज सर्वर एडिशन लेते हैं 2.4.13 x86, ये इवन कि आप विंडोज से विस्टा 7, 8 या 10 या सर्वर का कोई भी एडिशन है, मतलब सर्वर 2003 से ऊपर के, तो इन सब पे भी ये स्टोर हो जाएंगे। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये यूआर बैकअप सर्वर डाउनलोड हो गया, अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यस, इससे पहले ये चेक कर लेते हैं कि अगर जैसे आप इसको बैकअप सर्वर आप बना रहे हैं, तो बैकअप सर्वर के लिए बनाने के लिए आपको एक अलग वॉल्यूम या ड्राइव होनी चाहिए जिसमें कि आप बैकअप लेंगे। जो आप बैकअप पाथ सेट करेंगे, तो बैकअप सर्वर बनाए तो इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको प्रोडक्शन में आप यूज करना चाहते हैं तो क्या है कि काफ़ी क्लाइंट कंप्यूटर्स का बैकअप होगा, तो आपको उसी हिसाब से आपको स्टोरेज भी होने चाहिए। क्योंकि क्या है कि आप इसमें फुल बैकअप
और इंक्रीमेंटल बैकअप भी स्टोर होगा। तो और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक इस स्टोरेज को रखना चाहते हैं। तो इसीलिए स्टोरेज अभी हमने इसमें टेस्ट लैब में क्रिएट किया है, तो हमने छोटा थोड़ा ही स्पेस यूज किया है। आप जब प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो आप जो भी है ड्राइव जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज का आप रखेंगे, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तभी आप अपने यूजर्स का बैकअप आप रख सकते हैं। और अभी अब आते हैं, इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं सॉफ्टवेयर को। डेस्टिनेशन फोल्डर प्लीज, आप चाहे तो इसको डी में भी रख सकते हैं कि बैकअप सर्वर ही, तो आप सी में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बैकअप लोकेशन होगा वो आपका डी रहेगा। इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद जो है अपने सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो हमारे इस सर्वर की आईपी है, वन नाइनटी टू डॉट 168.10.10। अब इस आईपी को हम ब्राउजर पे ले जाएंगे, 192.168.10.10.55414। यस, तो ये पोर्ट नंबर आप देंगे, कॉलन 55414। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी होंगे। डायरेक्टली हुए तो योर बैकअप विल सेव बैकअप इज इन एक्सेसिबल लिस्ट। तो सबसे पहले हमको बैकअप लोकेशन इसमें सेट करना होगा कि जहाँ पे यूजर्स का बैकअप लेगा। तो हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो सेटिंग्स करेंगे। यस, तो आप सी की जगह पर आप इसको रख लेते हैं, जो है इस नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं डी में। ये आपका रेडी हो गया। यस, देखिए आपको वो जो एरर था गायब हो गया। और एक एरर और उसके बाद आएगा, ये करना जरूरी है। एम एस डॉट 8.3 कंप्यूटर क्रिएट द बैकअप स्टोरेज दिस लीड द प्रॉब्लम यू कैन डिसेबल 8.3 नेम जनरेशन बाय द रनिंग। तो ये कमांड चलाना होगा अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो, या विंडोज का कोई भी वर्जन, तो ये कमांड चलाना। आप इसको रन एज कमांड करा देंगे पेस्ट, और इसको क्लियर कर देंगे। सक्सेसफुली सेट 8.3 नेम बिहेवियर। ओके, वो कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यस, तो जो भी एरर है, तो अभी जो है आपका यूआर बैकअप सर्वर जो है सेट हो गया। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी सेटिंग जो सेटिंग्स करनी होगी। तो पहले नंबर हम सर्वर को, जो यूआर बैकअप सर्वर को फुल्ली रेडी कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स से आने के बाद पहले हम इसमें पासवर्ड डाल देते हैं। इसमें कोई यूजर्स नहीं बने हुए हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। इसके लिए आपको पासवर्ड सेट करना होगा। हमने एक यूजर बाय डिफॉल्ट यूजर क्रिएटेड दिखेगा आपको, आपको पासवर्ड सेट करना होता है। कुछ भी पासवर्ड एक सेट कर देते हैं इसमें कि अनऑथेंटिकेट पर्सन कोई भी एक्सेस ना कर पाए। राइट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगी। तो एक यूजर हमने क्रिएट कर दिया। फिर जनरल में आते हैं। अब एक एक सेटिंग तो हम देखते हैं। बैकअप स्टोरेज पास ओके, डू नॉट डू इमेज बैकअप। अब ये दिया है कि इमेज बैकअप रखना चाहते हैं या नहीं। तो इमेज बैकअप डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क की लाइन की बैंडविड्थ के ऊपर और आपकी स्टोरेज के ऊपर। आप इसको रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं।
तो इसको लिए हमें टिक मार लेना कि हम इमेज बैकअप नहीं रखना चाहते हैं, डू नॉट डू द फाइल बैकअप, बैकअप रखना चाहते हैं तो इसको हम टिक मार्क नहीं लगाएंगे, ऑटोमेटिकली शट डाउन द सर्वर, नो रखेंगे, डाउनलोड क्लाइंट फ्रॉम द अपडेट सर्वर, ये कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट जो है अपने सर्वर से वो क्लाइंट अपडेट हो तो वो रख सकते हैं, ये मैनुअल भी कर सकते हैं कि मैनुअली भी क्लाइंट्स को अपडेट कर सकते हैं जो क्लाइंट का सॉफ्टवेयर होगा। सो व्हेन ए न्यू सर्वर वर्जन इज अवेलेबल, किसी को इंटीमेशन की जरूरत नहीं है, मैं जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो ऑटोमेटिक पीरियडिकली वो चेक करता रहेगा, ऑटो अपडेट क्लाइंट्स नो कर देते हैं, मैक्सिमम साइमल्टेनियस बैकअप आप ज्यादा नहीं रखेंगे, अदरवाइज जैसे कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा हैं तो बेस्ट ये रहेगा कि थोड़ा थोड़ा कम बैकअप समय से बैकअप रखें, क्योंकि क्या है कि वो मैक्सिमम बैंडविड्थ यूज करने लगेंगे, इसलिए जो है हम 10 क्लाइंट्स का हम बैकअप एक बार में चलता रहेगा, साइमल्टेनियस बैकअप 10 मैक्सिमम रिसेंटली एक्टिव, ओके। और नॉन डेबली टेम्पोरेरी फाइल डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, क्लीनअप टाइम विंडोज, क्लीनअप टाइम विंडोज क्या होता है कि अगर हम डिफाइन कर देते हैं कि 30 दिन का बैकअप है या कोई इनकरेक्ट बैकअप हुआ हुआ है या कुछ ऐसा हुआ कि आज की डेट में कोई बैकअप हुआ हो, पार्शली बैकअप हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं, कुछ एरर आ गया, सिस्टम शट डाउन हो गया क्लाइंट कंप्यूटर का, तो नेक्स्ट डे क्या है वो क्लीन अप करता, तो ये क्लीन अप विंडो ये होता है कि कितने दिनों पे वो क्लीन करेगा, तो उसका टाइम और जो है कि 1 to 7 एक सात दिन पूरे सप्ताह 3 AM to 4 PM पे आप सेट कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी टाइम सेट करते हैं 0 to 24 hours सेट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे मैनुअल्स भी हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको मेल मिल है, तो जस्ट इंटर द डिफॉल्ट लोकेशन सेपरेट बाई डिफॉल्ट ये हाँ क्लीन अप विंडो, तो 1 to 7 बिटवीन 3 AM to 4 AM तो ये है इस टाइम वो क्लीन अप करेगा। ऑटोमेटिकली बैकअप यू आर बैकअप यस एग्जैक्टली ये आपको करना है, इनकेस किसी तरह के सर्वर में प्रॉब्लम आए तो अगर डाटाबेस का बैकअप जाएगा तो हम आप दूसरा सर्वर बना के आप उस डाटाबेस को रिस्टोर कर देंगे, तो इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल मैक्सिमम बैकअप स्पीड फॉर योर नेटवर्क, तो ये डिपेंड करता है, अभी तो अनलिमिटेड है जितनी बैंडविड्थ है, मान लियो 1 GBPS का आपका नेटवर्क है या 100 MBPS का, तो आप इस पर लिमिटेशन लगा सकते हैं कि कितने MBPS पे आप यूज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए 50 MBPS पे हमारी अगर हमारे 100 MBPS का नेटवर्क है तो आप 50 या 1 GBPS का है तो आप 500, मान लीजिए हमारा ये नेटवर्क जो है बैंडविड्थ नेटवर्क लाइन का नेटवर्क है 1 GBPS ठीक है, तो हम इसमें 1 GBPS मतलब 600-700 MBPS पे चला सकते हैं, फुल यूटिलाइज नहीं करना है नहीं तो बैंडविड्थ चोक होने के साथ ज़्यादा चांस हो जाएंगे, इसलिए कम लिमिटेड नेटवर्क बैंडविड्थ अलॉट कीजिए जिससे तो बैकअप हो। और ग्लोबल सॉफ्ट फाइल बैकअप ये है कि हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा डी ड्राइव है बैकअप ड्राइव डी ड्राइव तो उसका जो है 95% ही बैकअप होगा, इतने ज़्यादा वो डिस्कार्ड कर देगा, तो ये आपको टाइमली देखना होगा कि स्टोरेज फुल ना हो और उसको कंट्रोल आपको करना होगा, उसमें कई और से सेटिंग में मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे, तो 95% तक बैकअप होगा सेव, ये जनरल सेटिंग था। और इमेज फाइल बैकअप, फाइल बैकअप में दिया हुआ है कि इंटरवल फॉर इंक्रीमेंटल फाइल बैकअप, तो इंटरवल फॉर इंक्रीमेंटल फाइल बैकअप का मतलब होता है कि आप जो इंक्रीमेंटल बैकअप होगा वो कितने देर में होगा, जैसे कि अभी एक बैकअप हुआ तो अगला इंक्रीमेंटल बैकअप कितने देर बाद होगा, तो आप इसमें नंबर ऑफ आवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं और नंबर ऑफ आवर्स, तो आप एवरी फाइव
आवर पे, एवरी 2 आवर पे, एवरी 1 आवर पे आप स्पीड इंक्रीमेंटल 5 बैकअप लगा सकते हो, या आप चाहते हैं कि पर डे तो एवरी 24 आवर, तो आप यहाँ पे 24 आवर भी सेट कर सकते हो, ये अपनी जरूरत के हिसाब से। या इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ डिसेबल कर देंगे तो इंक्रीमेंटल बैकअप होगा ही नहीं। इंटरवल फॉर फुल बैकअप, आपको महीने में या हर 15 दिन पे जो है आपके क्लाइंट पीसी का फुल बैकअप लेगा। तो हमने वाइट पार्टी इसमें 30 डेज डिसेबल है, आप चाहे तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं कि इंटरवल फुल बैकअप रखना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक फुल बैकअप 10-30 डेज में रखना जरूरी होता है, वो अच्छा भी रहता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंटल फाइल बैकअप ये डिपेंड ये है, अगर आपके स्टोरेज ये डिफाइन ये होता है कि अगर आपकी स्टोरेज साइज आपकी कैपेसिटी कितनी है, अगर शुरू से ज़्यादा है और सफिशेंट स्टोरेज है तो आप 100, 1000 या 50 इंक्रीमेंटल फाइल बैकअप रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि अभी स्टार्टिंग में आप 100 रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, 40 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, कितने भी रख सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि स्टोरेज हम ज़्यादा नहीं है तो आप कम से कम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 30 डेज पे एक फुल बैकअप है तो आप 30 रख सकते हैं, मतलब 30 इंक्रीमेंटल बैकअप रख सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप तो आप 10 रख सकते हैं, जैसे मैंने इसको 10 रख दिया और इसको हमने 30 रख दिया, ठीक है, और इसको हम 24 आवर पे एक बार बैकअप रख दिया मैं, या 5 भी रख सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फुल बैकअप तो आप महीने में एक बार रखना तो शायद एक रख सकते हैं, और मिनिमम भी एक रखना चाहते हैं तो कम से कम एक और मैक्सिमम भी एक रख सकते हैं। अब ये है स्क्रूड फाइल्स वाइल्ड कार्ड इंक्लूड फाइल वाइल्ड कार्ड, आप ये चाहते हैं कि आप फिल्टर लगाना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में जो क्लाइंट पीसी में कोई फाइल की बैकअप हो, तो आप डिफाइन रखते हैं कि किस किस तरह की फाइलों को आप बैकअप रखना चाहते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ फाइल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए इंक्लूड फाइल वाइल्ड कार्ड यूज न करके हम बेस्ट हो रहेगा इंक्लूड फाइल विथ वाइल्ड कार्ड यूज करें। आपको कैसे लिखना होगा, जैसे इसमें जाएंगे तो इंक्लूड फाइल इस तरह आप लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, या आप इस तरह लिख सकते हैं, फोल्डर का नाम लिख सकते हैं और इंस्टॉल लगा देंगे तो उससे ये मतलब कि उस इस फोल्डर से सभी फाइलें होंगी, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि DOC या डॉक्स फाइल का बैकअप होगा। इवन आप चाहे तो आप यूजर्स लिख के /colon डॉक्यूमेंट्स, तो इस तरह जितने भी यूजर्स हैं, मान लीजिए कभी कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर्स हैं तो आप देख सकते हो उस यूजर के डॉक्यूमेंट का और डेस्कटॉप का पूरा बैकअप इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं, इस थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी प्रोसीजर मिल जाएगा कि कैसे कैसे हम इसमें सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह ये हम सेट कर देते हैं इंक्लूड फाइल star.pdf और कौन सी फाइल होती है star.txt star.xls star.xfile star.bbt ठीक।
तो एक मैंने एक डिफाइन कर दिया एक्सटेंशन, और कई तरीके हैं इसमें डिफाइन करने के लिए। और यहाँ पे है डिफॉल्ट डायरेक्टरी टू बैकअप, तो आप इस तरह इसको सेट कर सकते हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है डिफॉल्ट बैकअप लोकेशन, सी यूजर्स, सी प्रोग्राम फाइल्स और सी यूजर्स, यूजर फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स, इस तरह तो आप डिफाइन कर सकते हैं। और या तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने दिया जैसे कि सी इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं, सी ड्राइव का, डी ड्राइव का, ई ड्राइव का बाय डिफॉल्ट। तो ये सेटिंग्स एक कॉमन सेटिंग थी, इस तरह ये इसको कर लेंगे। इमेज बैकअप, इमेज बैकअप भी है लेकिन मैंने इमेज बैकअप को मैंने डिसेबल कर दिया है। तो सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने फाइल बैकअप में दिया है, उसी तरह आप इमेज बैकअप, इमेज बैकअप जस्ट कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा क्लोन, जस्ट लाइक एक VHD फाइल बन जाएगी। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसकी VHD फाइल बन जाएगी। तो इसका पर्पज ये है कि इनके अगर वो क्रैश हो जाता है सिस्टम तो आप रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन इमेज बैकअप को आप थोड़ा इग्नोर करेंगे, तो क्या है कि इमेज बैकअप जब बनाएगा तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है बैकअप क्रिएट करने में, और जो है बैंडविथ भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंड ऑन योर नेटवर्क की स्पीड पे। तो सेम सेटिंग्स हैं, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं इमेज बैकअप फाइल फॉर्मेट VHD फॉर्मेट, इसमें VHD वर्चुअल हार्ड डिस्क और कंप्रेस्ड नॉन स्टैंडर्ड वर्चुअल डिस्क, इस तरह का वॉल्यूम टू सी बैकअप सी, तो सी का जो है वो इमेज बन जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आप उसको बाद में कभी रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल ध्यान रखें कि वॉल्यूम की साइज जो है वो थोड़ा सा स्टोरेज का लोकेशन, अगर आप इमेज बैकअप रखते हैं तो उसको ज़्यादा रखना होगा। अब परमिशंस की बात आ गई, अब जो भी हम क्लाइंट्स यूआर बैकअप का जो क्लाइंट्स क्लाइंट्स पीसी में इंस्टॉल करेंगे तो उसको क्या क्या प्रिविलेज होनी होगी वो देख लेते हैं। तो हम लिमिटेड ही प्रिविलेज रखेंगे जिससे कि सेटिंग्स में वो ज़्यादा छेड़खानी ना कर सकें, डिस्टर्बेंस कर सके क्लाइंट या जो यूजर है। तो अलाउ क्लाइंट साइट चेंजिंग ऑफ द डायरेक्टरी टू बैकअप, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर फुल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर ही पूरा ये बैकअप सेट करे तो बेस्ट रहेगा इसको अनचेक कर दें। अलाउ क्लाइंट साइट स्टार्टिंग फुल फाइल बैकअप, इसको अनचेक कर दें, क्योंकि अगर यूजर बार बार फुल बैकअप करता रहेगा तो स्टोरेज ज़्यादा प्रॉब्लम। अलाउ क्लाइंट साइड स्टार्टिंग इंक्रीमेंटल बैकअप, यस ये कर सकते हैं। अलाउ क्लाइंट साइड स्टार्टिंग फुल इमेज बैकअप, नो कर दीजिए। अलाउ क्लाइंट साइड स्टार्टिंग ऑफ इंक्रीमेंट इमेज बैकअप, नो। अलाउ क्लाइंट साइड व्यूइंग द बैकअप लॉग्स, देख सकते हैं। अलाउ क्लाइंट साइड पॉजिंग द बैकअप, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि कभी क्या है कुछ अर्जेंट काम होता है उस समय बैकअप चल रही तो थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सिस्टम की स्लो होगी, हो भी सकती है डिपेंड करता है सिस्टम कन्फिग्रेशन पे, तो ये ऑप्शन हम दे सकते हैं। अलाउ क्लाइंट साइट चेंजिंग ऑफ सेटिंग्स, सेटिंग तो नहीं देना है। अलाउ क्लाइंट टू क्विट द ट्रे आइकन, नो। क्विट द ट्रे, नो। अलाउ क्लाइंट स्टार्ट फाइल रिस्टोर, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आप चाहे तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही रहे तो एडमिनिस्ट्रेटर ही इस फाइल को रिस्टोर करे, इनकेस आप डिलीट कर ऑप्शन है या किसी के केस में तो रिस्टोर कर सकते हैं। अलाउ क्लाइंट टू कन्फिगर, कन्फिगर कंपोनेंट टू द बैकअप, अनचेक कर दीजिए। अलाउ क्लाइंट टू स्टार्ट कंपोनेंट स्टोर, अनचेक कर दीजिए। ये एक परमिशन की होगी क्लाइंट्स के लिए। अब क्लाइंट्स की बात करते हैं, क्लाइंट्स क्या है, डिले आफ्टर सिस्टम स्टार्ट, तो बैकअप इन केस कब स्टार्ट हो तो आप तुरंत भी रख सकते हैं या सिस्टम स्टार्ट होने के 15 मिनट के बाद आप सेट कर सकते हैं। बैकअप विंडो, किसी भी क्लाइंट में कब बैकअप होगा इसके हैं, तो उसकी टाइमिंग, बैकअप विंडो तो 1 to 7 मतलब एवरी डे, मतलब संडे टू संडे तक, मतलब एवरी 7 डेज, मतलब हर दिन, और 0 to 24 किसी भी टाइम।
तो 0 से 24 आवर किसी भी टाइम आप ये सेट भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि ये डे टाइम में ही आपके कंप्यूटर चलते हैं जनरली, तो आप सुबह 8 to 16 रख सकते हैं जो भी टाइम है, अदरवाइज 0 से 20 भी कर देंगे तो किसी भी टाइम वो सिस्टम ऑन होगा तो बैकअप हो जाएगा उस डे में। ठीक है, मैक्सिमम बैकअप स्पीड ऑफ सब लोकल नेटवर्क तो आप इसमें रख सकते हैं। अगर उस पीसी पर्टिकुलर पीसी का जो भी स्पीड होगा उसका मान लीजिए 99 PC, मैंने ऑलरेडी पहले फाइल बैकअप में सर्वर का रख दिया तो इसकी कोई जरूरत नहीं, रख भी सकते हैं आप, क्लाइंट्स का नहीं भी रख सकते आप। ऑटो बैकअप साइलेंटली, हाँ ऑटो अपडेट साइलेंटली तो इसको जरूरत नहीं है। तो आपको क्या क्लाइंट इसकी भी अगर आप डिफाइन कर देते हैं पर्टिकुलर क्लाइंट्स का कोटा तो आप यहाँ परसेंटेज सेट कर सकते हैं। आर्काइव का ये पार्ट है, आर्काइव का पार्ट हम बाद में कवर करेंगे कि हम आर्काइव कैसे करेंगे। तो आप जो भी बैकअप होते हैं आप उसको आर्काइव भी कर सकते हैं। एलर्ट्स, एलर्ट्स जनरेट करने के लिए है। एलर्ट्स कुछ पर्टिकुलर अगर इसमें ईमेल वगैरह हम सेटअप कर देंगे तो इसमें हम जो है एलर्ट्स सेट कर दें कि आपको पर्टिकुलर मेल पे आपको कुछ बैकअप से रिलेटेड अलर्ट्स मिल जाएंगे। इंटरनेट, अगर ये योर बैकअप जो है ओवर द इंटरनेट चलाना चाहते हैं जिससे कि ग्लोबली मतलब कुछ बैकअप होता रहे तो उसके लिए तो इनेबल इंटरनेट मोड रिक्वायर सर्वर स्टार्ट। तो अगर इसको इनेबल कर देते हैं तो उस केस में फिर आपको पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि पब्लिक कहीं से भी मतलब बैकअप हो सकता है किसी क्लाइंट का। और इसके बाद एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में ऐसा कुछ बेसिक नहीं है, इसमें ऐसी सेटिंग है जो बैकअप हो हैश्ड हो या रॉ डाटा फॉर्मेट में हो तो एज इट इज को रहने देते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास। और चेक कर देते हैं सेटिंग। तो ये रहा जो है जनरल, तो इसमें हम काफी सर्वर फाइल बैकअप इमेज बैकअप परमिशन क्लाइंट्स आर्काइव अलर्ट और इंटरनेट एडवांस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो है सेकंड पॉइंट है मेल। आप यहाँ पर मेल सर्वर भी अपना एक सेटअप कर सकते हैं, मेल कॉन्फ़िगर कर दीजिए जैसे कि आपको अलर्ट्स वगैरह या इंटीमेशन वगैरह आते रहे तो आप भी आपके इन्वायरमेंट में अगर मेल सर्वर है तो उसका SMTP यहाँ कॉन्फ़िगर कर देंगे तो आपको अलर्ट मिलता रहेगा। अदरवाइज आप जीमेल का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एडलैब का भी यूज कर सकते हैं, एडलैब लॉगिन। तो इसमें जो नंबर ऑफ यूजर्स लॉगिन, अभी मैंने एक रिसेंट में एक यूजर क्रिएट किया है तो उस केस में अब क्या है कि आप चाहते हैं तो यूजर अगर एडलैब से इसको कनेक्ट कर देंगे तो यूजर्स जो है अपने डोमेन यूजर्स से या पासवर्ड से लॉग इन करके अपना बैकअप देख सकता है। तो इस पार्ट को में हम बाद में कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम एडलैब एडी से हम का सेटअप कैसे करेंगे और इसमें लॉग इन कैसे करेंगे। और यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप इसमें यूजर्स बना सकते हैं और जैसे कि किसी भी यूजर्स के लिए, अभी हम और भी इसमें ऑप्शन बताएंगे कि यूजर्स बना के पर्टिकुलर क्लाइंट्स के लिए असाइन कर सकते हैं कि वो क्लाइंट्स जो है अपना बैकअप देख सकता है। तो ये बेसिक सेटअप था सेटिंग्स का और इसमें स्टैटिक्स देख सकते हैं जो भी बैकअप होगा तो इसमें आपको स्टैटिक देखिए कितने डाटा यूज होगा। अभी तो जैसे 0 bytes 0 bytes 0 bytes अभी कोई बैकअप नहीं हुआ। यहाँ पे आपको लॉग्स देखेंगे, पर्टिकुलर क्लाइंट्स के भी देख सकते हैं और टोटल लॉग्स देख सकते हैं। यहाँ बैकअप, यहाँ जो भी कंप्यूटर्स के बैकअप होंगे वो बैकअप दिखेंगे, एक्टिविटीज और यहाँ पे स्टेटस देखेगा। एक्टिविटीज में लाइव स्टेट है, कोई यूजर्स का बैकअप चल रहा होगा तो वो बाइक लाइव है, इवन उसका लॉग भी देख सकते हैं कि कौन कौन से फाइल का बैकअप हो रहा है। और ये स्टेटस, ये लिस्ट ऑफ टोटल कंप्यूटर्स है, यहाँ से हम पर्टिकुलर कंप्यूटर्स को सेलेक्ट करके हम कमांड दे सकते हैं सर्वर साइड से भी और इवन की क्लाइंट साइड से भी। तो ये रहा यूआर बैकअप का सर्वर पार्ट। तो ये फुली कन्फिगर्ड हो गया है, अब रेडी हो गया है इसको यूज करने के लिए। अब इसके बाद जो है हम क्लाइंट
कंप्यूटर में इसके यूआरबैक क्लाइंट्स इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे उसमें बैकअप क्या क्या सेटिंग करेंगे और कैसे कैसे बैकअप हो।